हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज़ सोनल सकलानी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो UKPSC यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए जो अच्छी सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि आप AAO यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास की 354 वैकेंसीज में आप यहाँ फिल कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं करा है तो अभी भी डेट है, 27 अक्टूबर तक की इसकी डेट है, तो तब तक फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम जो पेपर है, पेपर का पैटर्न है, सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का पैटर्न क्या है। अभी तक अगर किसी को नहीं पता है तो दो इसमें पेपर होने वाले हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका सामान्य ज्ञान आप देख सकते हो यहाँ पर, यानी कि जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ जो होता है वो है, और उसके साथ ही सामान्य हिंदी 20 मार्क्स की सामान्य हिंदी आएगी, और बाकी 80 मार्क्स का आपका ये जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन होने वाला है। 100 मार्क्स का ये टोटल रहेगा, ठीक है, 2 घंटे की एक पेपर हो गया आपका। फिर जो सेकेंड पेपर है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के भर रहे हो, कौन भर रहा है, ठीक है। अगर कृषि वाले भर रहे हैं, वैसे इसमें क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पोस्ट्स आई है ना, तो जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनका एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का। जो और जो सारी पोस्ट हैं जिसमें ZBC वाले भी एलिजिबल हैं और जो हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं, तो उनका हॉर्टिकल्चर और जीव विज्ञान का उनका पेपर होने वाला है। बट हम यहाँ पर सिंस AAO की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या है, 200 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, 200 मार्क्स के 3 घंटे का पेपर। तो मतलब क्या हुआ, अब इससे आप क्या समझे कि आपको एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है, 200 मार्क्स का ज़्यादा वेटेज का आपका एग्रीकल्चर आने वाला है, और फिर उसके बाद जनरल स्टडी, जनरल साइंस तो करना ही है। अब जो सिलेबस इन्होंने मेंशन करा था, सिलेबस बहुत सारा दिया गया है ना। अगर आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये हिंदी में भी दिया था और इंग्लिश में भी, तो इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स इसकी हैं, साथ में फिर हिंदी का भी दे रखा है, और साथ में फिर 5 यूनिट्स हमें एग्रीकल्चर के भी दिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतना सारा सिलेबस है। टेंटेटिव जो इसकी डेट है वो है January 7 को एग्ज़ाम हो सकता है। तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्टडी प्लान, स्टेप वाइज स्टडी प्लान, जिसको आपको फॉलो करना है। ब्लाइंडली फॉलो करो इसे, और देखो आपका जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक आप दोबारा रिवीजन भी कर लोगे इसका, है ना। तो 9 वीक्स का, 60 डेज़ का ये स्टडी प्लान है। इसमें आप देख सकते हो कि सब कुछ डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ भी आपको पढ़नी है, जनरल हिंदी भी पढ़नी है, और एग्रीकल्चर भी पढ़नी है। अब टाइम कैसे डिवाइड करना है, देखो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो एग्रीकल्चर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वो आपको देखना है कि आपका कौन सा वाला पोर्शन ज़्यादा वीक है, ज़्यादा टाइम आपको किस में देना है। वैसे आई वुड से कि सिंस 200 मार्क्स का एग्रीकल्चर है, तो फिर सपोज़ इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, एक दिन में अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, तो आप 3 घंटे एग्रीकल्चर को दीजिए, 1 घंटा आप GK जनरल स्टडीज़ को दीजिए। हाउएवर ये वैरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसका जैसा पोर्शन वीक है या इजी है। जनरल हिंदी का कंपैरेटिवली 20 मार्क्स का है, तो आप ये कर सकते हो कि 3 दिन में एक बार आप एक कोई टॉपिक पढ़ सकते हो उसका, ठीक है। तो स्टडी प्लान में आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा दे रखा है आपको। एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें देखने हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करो, और वो आई एग्जाम बी की साइट पे आपको फ्री में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट भी देने, तो मॉक टेस्ट तो बाद में दोगे ना, जब पढ़ लोगे उसके बाद दोगे धीरे धीरे, बीच बीच में भी। अब ऐसा भी नहीं करना है कि सारा जब मैं कंप्लीट पढ़ लूँगा तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं है। बीच बीच में आपको एनालाइज करना ज़रूरी है। तो पहले तो आप PYP देखो उसका। अब ये है प्रॉब्लम यहाँ पर कि जो पहले UK SSSC इसको कंडक्ट करवाता था, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आता था आपका एग्रीकल्चर का। तो अभी आपको जो PYP है उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही मिलेगा। हाउएवर जो और एग्ज़ाम्स UKPSC कंडक्ट करवाता है, आप वहाँ से थोड़ा एक आइडिया ले सकते हो कि कैसी इसमें जनरल स्टडीज़ या हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टॉपिक्स हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, एग्रोनॉमी
अगर आप उसमें सिलेबस में देखोगे ना, तो एग्रोनॉमी के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्रॉपिंग सिस्टम और क्या क्या एग्रोनॉमी वर्ड कहाँ से आया, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है हर एक क्रॉप का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, उसमें सोइंग कब करते हैं, उसमें हार्वेस्टिंग कब करते हैं, इरिगेशन वगैरह, वो सारा आपको देखना है। तो 2 दिन आप सीरियल क्रॉप्स को देंगे, ठीक है, 2 दिन सीरियल क्रॉप्स को देंगे, फिर पल्सेस क्रॉप, फिर फॉडर क्रॉप, फिर 6th डे पे आप ये सारा रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो सारा भूल जाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो साथ में ही जनरल साइंस और जो जनरल कंप्यूटर है, देखिए टॉपिक वाइज उसमें दे रखा है, तो हमने टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको ये सब मेंशन किया हुआ है। इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हो। तो पूरा स्टडी प्लान है ये 60 डेज का, अलग अलग वीक्स आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग डेज का भी हर डे का आपको टारगेट दिया गया है। जस्ट इन केस अगर आप किसी दिन अगर कोई एक टारगेट मिस कर देते हो, तो उतना आपको एक्स्ट्रा दूसरे दिन स्टडी करना है, ठीक है। तो वो कंपनसेट आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो उसे कि नहीं करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वाई नॉट गो फॉर दिस, ठीक है। सो ये पूरा आप स्टडी प्लान देख सकते हो, 8-9 वीक्स का है, पूरे 60 डेज। 60 डेज से ज़्यादा वैसे आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन अभी हमने 60 डेज का दिया है, बाकी आपके पास जो टाइम बचेगा आप उस टाइम पे और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और रिविजन कर सकते हो। देख सकते हो कि अगर अभी भी आपका कोई एक पोर्शन वीक रह गया है तो वो जाके आप पढ़ो, ठीक है। तो ये पूरा स्टडी प्लान आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा मॉक आप आई एग्जाम्बी की साइट पे आप जाके ये देखिए, आपको इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे कि कोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका पूरा कोर्स अवेलेबल है। इसमें क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वीडियो लेसन्स हैं, स्टडी नोट्स आपको दिए जाएंगे, चैप्टर टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और कोई भी आपकी डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं उसे, ठीक है। UKPSC में ये आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सारा आपको हिंदी का मैटर भी है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ आप इसके अंदर खोल के देख सकते हो। यूनिट्स हैं अलग अलग जो हमारे एग्रीकल्चर की यूनिट्स हैं, जो जो उसमें जैसे जैसे सिलेबस मेंशन किया गया है उसी तरह से उसमें भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं। तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक्स हैं जाके चेक कीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं और से आप स्टडी पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्टडी जो प्लान है उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए, ठीक है। सो दैट वाज इट। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।